नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में कुछ एक ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है। रीजन आप सबको भी पता चल जाएगा, रीजन जो था 2B पोर्टल नहीं दे पा रहा था, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये ड्यू डेट एक्सटेंड करी है। 3B और PMT 06, इन दोनों की ही ड्यू डेट एक्सटेंड करी है। तो जानते हैं कब कब फाइल कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप सेव करके जरूर रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपके 100% काम आने वाले हैं। और ये क्यों काम आएंगे, जल्दी इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन क्यों काम आएंगे। और जब ये आप डाउनलोडेड आपके पास सेव रखने वाले हो, तो जब ये काम आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, हमने ये डाउनलोड करके बहुत सही किया। तो ये नोटिफिकेशन आप CBIC की साइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको CBIC की साइट पे जाना है, GST में जाना है, वहां से आपको नोटिफिकेशन पे जाना है। और ये नोटिफिकेशन पे पहले ही दो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो 18 तारीख को बना रहे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 5। तो इस नोटिफिकेशन के तहत अप्रैल 2022 की जो 3B है, जो आप 20 मई तक भरनी थी, 24 मई 2022 को भर सकते हो। तो आई बिलीव तब तक आपकी 2B में अमाउंट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो आप 2B में अमाउंट चेक करें, अगर आपके प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यू कैन फाइल योर रिटर्न प्रॉपरली। तो 24 मई 2022 तक आप अप्रैल 2022 की 3B भर सकते हो दोस्तों। यह है नोटिफिकेशन नंबर 5, जो कल रात को 17:05 को इश्यू है, 17 मई 2022 को इश्यू है। अब इसके साथ दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है 17 मई को ही, नोटिफिकेशन नंबर 6, जो हुआ है PMT 06। आप सबको पता है PMT 06 एप्लीकेबल, अगर आप क्वार्टरली 3B फाइल कर रहे हो तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो PMT 06 आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों 27 मई तक। जी हाँ, 27 मई तक इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो अप्रैल 2022 के PMT 06 की डेट है 27 मई और अप्रैल 2022 की 3B की डेट है 24 मई दोस्तों। अब ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।